बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद सभी के भलीकार माजे पांजे प्रोग्राम सलाम सिंध में अज सूमर जो दिहाड़ो है। बड़ी भरपूर आराम का पोए अज वरी फाइनली वो टाइम आयो तो अस इतने अचूँ अवा से मुखातिब थूँ अवा जो को स्पेशल यू नो कुछ न कुछ स्पेशल खड़ी अचूँ। सो बिल्कुल अज के प्रोग्राम में सभी के लिए इलाही कुछ स्पेशल है। छा स्पेशल है यो तुम थोड़ी देर का बुधाइंदस। बरहाल एक गाल अज मु नोट कई थो कुछ इं जो जब रस्ते में अचा पी तो अक्सर दिसण में ये शूं तो जैसे कुछ टाइम सिग्नल खुलण में होंद तो फौरन मूँ कोशिश कह तो वन टू थ्री अगत निकर की कोशिश कन। हाँ जैसे चार रस्ता पान में मिलन था चैनी पास ट्रैफिक अचे थी पी उन बावजूद अवं यो सोचे अवं सिग्नल टोड़ो था तो अगर तो केर को सुबह जो टाइम है वह गाड़ी कड़ी घड़ी होंद असो। बहरहाल सिर्फ़ एक मिंट के इंतजार के करें जिंदगी से जिंदगी के एडे वे खतरे में था वेझो इ गल समझ का बार है यकीन कर। बी गाल वरी इ जैसे ट्रैफिक जे कानून आन उनकी जैसे अस पाबंदी न क्या तो अस चवे तो असे कानूनी इदारा उ कम को पे कन। हालांकि उो कम कन पे बट अस हमेशा इो सोचे अगत वा तो जैसे असि करण से भला मू सिग्नल टोड़े तो हाँ अस टोड़ो तो वही आफत या कयामत को अवं टोड़ो था बो टोड़ी टों टोड़ी हाँ मां सोचो है तो मां टोड़ींदस कुछ को डॉक्टर मिसाल तौर पर को बो सोची तो भाई मां टोड़ींदस कुछ को इलाही कुछ थी सके तो इलाही कुछ थी है जो हादसा थियन था जो वाकया थियन था सिर्फ असि गफलत के करे थियन था बट उन बावजूद असा खबर ना छो अस हाँ जिंदगी में एक जो रसम थी वही है असें हर कीमत या रसम अदा करनी है सिग्नल टोड़ने वाली। बरए मेहरबानी पैं जिंदगी थोड़ा ख्याल रखा कर इन मल भी मुझे खबर है तो थोड़ी देर का चाय नाश्तो करें गाड़ी रवाना को पाने बाइक से वो को पाने कार से वो कंट अ वही गाड़ी होंगी कंट थी सके तो अ नंबी हो। बहरहाल गाड़ी नंबी हो या वही हो जिंदगी सभी की एक जड़ी होंगी है या सभी के एक जितनी अजीज होंगी है जिंदगी से जैक मुश्किल अचे तो ढो इंसान के लिए दुख्य है। सो कोशिश कर तो जिंदगी जो ख्याल रखो। सो अजो को लेक्चर उम्मीद है तुम सभी के तमाम घो पसंद आयो हों अवान पते की अवान फायदे की गाल हुई। सो वापस इंदी पे असल टॉपिक से अवे खबर है तो हमेशा सलाम सिंध में अस के न के पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंद उन्हें बोल क्यों कोशिश क्यों अवं तई कान का सुठी शे पहुँचा। सो बिल्कुल अज भी कुछ न कुछ स्पेशल होंद प्रोग्राम में जो पे अब जो पैं मेहमान अज के प्रोग्राम में मौजूद है माशाल्लाह तमाम सुठी पर्सनैलिटी है तमाम बेहतरीन हर्बलिस्ट डॉक्टर है स्किन से रिलेटेड अजकल वजन वधी था वन मानुन जा वार किरन था। सो इन सभी प्रॉब्लम्स जो हल छाए असा मांगे बुधाइंदासी असस अगर मौजूद है डॉक्टर सुकैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, काफी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई तो ईद मुबारक तो बनती है। हां बहुत सही की ईद मुबारक। वैसे मैं असल में क्या होता है कि आई थिंक आपके डायरेक्टर आउट ऑफ पाकिस्तान थे, शुक्र है आगे वापस। तो वो जैसे वो आए तो मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ। तो ये है कि नए डायरेक्टर्स को शायद इतना पता नहीं होगा लेकिन जो पुराने होते वो तो भूलते ही नहीं हैं क्योंकि ये बच्चे हमारे सामने ही बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। आमीन। आपको थोड़ा सा मैं बैक करूँगी। देखिए एक तो ये बाइक वाले ना अपने आप को समझते कि हम ट्रक में या हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको ये एक तो उन लोगों ने जो हॉर्न लगाया हुआ है ना वो ट्रक का लगाया हुआ अपनी बाइक के अंदर ऐसे हिल जाता है अगला वाला अगर उनकी एक हॉर्न आ जाती है तो यूँ लगता है पीछे से ट्रक ने आके मार दिया और एक सेकंड में वो पता भी नहीं होता कहाँ से वो आ रहे हैं और आपकी गाड़ी के एकदम टच करते हुए आपको निकल रहे हैं। तो आपने जो अंदर ब्रेक मारा वो तो शुक्र कि आप होश में हैं लेकिन उन्हें कब तक होश रहेगा कि इस तरीके से इतनी इतनी सांप की तरह निकल रहे हैं छोटी छोटी गलियों में से जैसे रोड उन्होंने गलियां बना दी है। तो मैं और आपको बताऊं रिसेंटली मैं बीच व्यू क्लब की बात कर रही हूँ। रिसेंटली एक बच्चा बहुत खूबसूरत बाइक लेके आता था वहाँ पर और वो बच्चा का डेथ हो गया है अपनी बाइक की वजह से। तो प्लीज जिस माओ के पीछे ये दुख आते हैं ना और पेरेंट्स के पीछे दुख आते हैं ना वो अजाब से कम नहीं होते। तो प्लीज आपकी जिंदगी जितनी अल्लाह ताला ने लिखी अच्छी लिखी है, अल्लाह सबके दुख सुख तो देता ही है क्योंकि अगर हमें दुख नहीं मिलेंगे तो सुख महसूस नहीं होंगे। तो इस तरीके का दुख ना दे। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह से आगाज़ में आपने कही, आपसे हम बात करेंगे लेकिन आपके साथ एक और अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जीवी पर तमाम बेहतरीन आवाज़ जो मालिक रागी असानी विच में मौजूद है। उम्मीद है तो उन्हें जो आवाज़ बुधी करे अवां के तमाम घणो सुठो लगंदो है। सुबह जो आगाज़ खास तौर पर तमाम भरपूर थी वेंदो। असां सां गॾु मौजूद है सैयद राजा शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद अवां के भी भलीकार सलाम। खुश आयो? अलहमदुलिल्लाह, तव्हां खुश आयो? अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
सो अवां खे असां म्यूज़िक ॿुधंदासीं, सुठा कलाम ॿुधंदासीं जी व्यूवर्स। ऐं इन खे अलावा असांसां गॾु असांजा टीम मेंबर्स मौजूदु आहिनि, आमिर भाई ऐं अजय। अस्सलाम वालेकुम ऐं नमस्ते, कैसे आप लोग, खैरियत से हैं, मज़े में? बहुत खूब। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान का अच्छे से साथ दीजिएगा, ठीक है? तो बल्कि क्यों ना म्यूज़िक से आगाज़ हो जाए, प्लीज़ प्लीज़। क्या कहते हैं, प्लीज़ मज़ा आएगा थोड़ा लाइव जी। सो सिंगर हमारे साथ मौजूद है आज, आमिर भाई का माइक हमने छीन लिया है क्योंकि हमारे पास ही बड़े अच्छे सिंगर मौजूद हैं। तो जी सर, छा बुधाइण चाहिंदो? जी आगाज़ मां सुबुह जे प्रोग्राम सां पंहिंजे शायरी आ तालबुल मौला जी, उन सां मां शुरूआत थो कयां। जी इजाज़त जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ॻाल्हियूं अथ मूंखे तोसां दिलि पर दिलि जूं, चवां चई न सघां साजन मूं ते से, ओ सुणी हाल हमल जो पोइ दोस्त दिलासो ॾे, न त हाणे ही अॻिते ओ मियां वेंदे मुहब मरी करे हो अला। मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, मां त दिल जूं ओ गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, मां त दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां। हक़ीक़त माहे लता, दर्दन जी हक़ीक़त माहे लता, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, मां दिलि जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, मां त दिलि जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां। से तो जाने खुदा, रीजे जे रुसे तो जाने खुदा, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, तोखे न चवां त ॿियो कंहिंखे चवां, मां दिलि जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला, मां त दिलि जूं
طالب مولا جا تمام بہترین ماشاء اللہ تمام بہترین آغاز کے پروگرام میں اچھا تمام سٹی گال ہمارا بھی کچہری کے نسج اچھا ڈاکٹر سکھینا آج مجھے کچھ آٹا یو نو انڈا چاول کا آٹا ہے چاول کا آٹا مطلب وہی کھانے کی چیزیں آج مجھے یاد دکھ رہی ہیں کیا بن رہا ہے اسے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو روم میں بھی بال ایک دم وہ کرل کرتے ہوئے دیکھا آپ کے جیسے پتہ نہیں سارے بچے آج کل یہ مسئلوں میں پھر آپ کو تو ہوسٹنگ کرنی ہے تو یہ کرنا ضروری ہے لیکن استریاں کر رہے ہیں کرلنگ کر رہے ہیں کبھی سٹریچ کرتے ہیں کبھی کرل کر دیتے ہیں اب ہمارے میرے پاس تو بال ہی نہیں ہے ٹینشن ہی نہیں ہے آئی ایم ریلیکس ٹھیک ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانس عامر بھائی کی طرح ہاں بالکل آؤٹ بالکل فری ہوتے ہیں اصل میں تھوڑے سے بھی بڑھتے ہیں نا تو مجھے اچنگ شروع ہوتی ہے میرے ہسبینڈ بولتے جا کے پلیز بال کٹا کیا جوئیں ہو گئی ہے کیا تیرے سر میں جوئوں کا بھی علاج موجود ہے بچے اسکول جا رہے ہیں میں ایک ہربز لے کے آؤں گی بازاروں میں آرڈنری طریقے سے مل جاتی ہے میں تھوڑا نام بھی بھول گئی ہوں اور وہ ہربز لا کے چلے کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اور ویسے بھی کڑوے تیل ہوتے ہیں نا جیسے کڑوا بادام ہو لنگوریاں ہو نیم ہو ان کے تیل ملتے ہیں وہ پتہ نہیں اب کیمیکل ملے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک دفعہ نکلوا لیں اور اسکول گوئنگ بچوں کو یہ ضروری لگائیں تو کنفرم ہے کہ وہ جوئی نہیں آئے گی اوکے ٹھیک ہے تھرائس اے ویک لگا لیں وہ سب نکل جاتی ہے اس سے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس بڑی پیاری پیاری چیزیں لیکن ہم ویٹ کریں مسٹر چرانیہ کے لیے اچھا مسٹر چرانیہ وہ ہمیشہ ہاں وہ لیٹ لیٹ لطیف اچھا صبح انہوں نے ہی مجھے فون کیا مما آپ تیار ہو گئے میں نے بولا میں باہر نکل رہی ہوں اور تو مجھے ابھی کال کر رہا ہے تو پوچھ رہتے گلستان جوہر چلے اچھا اب میں آئی ہوں تھوڑا سا اس کو ہم بعد میں ڈیل کرتے ہیں بریک کے بعد میں اچھی سی چیز ڈیل ٹھیک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بریک لے لیں بریک کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے ہر چیز کو ڈسکس کریں گے سو ویورز وقت آئے تھے کہ مختصر بریک جو بریک ڈاؤن ودندا سی بریک ہم پوچھنے واپس ایندا سی تو ہے جڑی بوٹن سا سا کیڑا کیڑا کم کرے سکوں تھا ہم بدھائیں سو ملوں تھا بریک ہاں پوئے دیسلا رہو سلام سن جی ویورز ایک بھر بیئر ہم سبھی کے بھلیکار چوندی ڈاکٹر سکینا موجود ہے تمام بہترین سنگر موجود ہے سید راجہ شاہ بٹ ہاں اصل ایک نئے مہمان جوائن کیا ہوا ہے جن کا ذکر پہ تھے بریک سے پہلے جن کا ذکر ہو رہا تھا ڈاکٹر عظیم آ چکے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی بڑے اچھے ہربلسٹ ہیں السلام علیکم آپ کو بھی ویلکم کہہ دیں عید مبارک اصل میں جتنے بھی یو نو پرانے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے شو میں ان سے عید کے بعد جن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو آن ایئر وش کیا عید کے بعد ملے نا اچھا تو آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا ورنہ ہم نے سوال تو پہلے ہی پھینک دیا تھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کیا کام ہوگا چیز ہے نا یہ میں آخری میں ڈیل کروں گی ڈاکٹر صاحب آ گئے کچھ اس کو ریلیٹ کریں گے اس کو ریلیٹ کرنے سے پہلے میں یہ ٹونک پاؤڈر آپ کے پروگرام میں ڈیٹیل میں دے چکی ہوں اور یہ آج میں آپ کے ڈیڈ کے لیے لے کر آئی ہوں اچھا ہاں اس میں کیا ہوگا جیسے ہم لوگ ڈبل جوانی میں آ رہے ہیں اور سنگل جوانی کو تو خاص کھانا چاہیے ہم سے زیادہ سنگل جوانی کو آج کل گروئنگ ایج جو ہے نا ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں 18-19 سال میں 20 سال میں لڑکوں بچوں کے ہڈیوں میں درد ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی سب سے بیسک ریزن ہے کیلشیم اور وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہم میں بہت کامن رہتی ہے تو یہ جو ہمارا ٹونک پاؤڈر بنا ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں جیسے چھلگوزے کمر کس گندر سنگھارے کا پاؤڈر پستہ بادام 100 دفعہ کے پروگرام میں میں بتا چکی ہوں یہ چیزیں اس کے اندر ڈالتی ہے تو کمر کو طاقت دیتا ہے نیچرل باڈی میں جا کے کارٹیلیج جو لاس ہو رہا تھا اس کو بناتا ہے اور وٹامن ڈی کا جو ہے نا بہت اچھا انسپشن نیچرل بنانا اسٹارٹ کرتا ہے تو آپ کو کوئی سپلیمنٹ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں تو اس سے صرف بون ہیلتھ نہیں اچھی رہتی ہے ڈائبٹک ہیلتھ اور ہارٹ ہیلتھ بھی بہت اچھی رہتی ہے
और फेसबुक पे डॉक्टर सुकैना 101 हर्बल फेसबुक। अच्छा 101 तो हमारे चैनल का नाम है, आप ही के चैनल का नाम है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले हम अभी अंदर डिस्कस भी कर रहे थे कि 101% गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, इंसानों की नहीं होती है। नहीं। तो आपने मुझे अंदर क्वेश्चन पूछा कि आपने 101 क्यों रखा? तो मेरी पहली जो सीरी आपके FM की है, क्योंकि अच्छा? मुझे सबसे पहले जो है रबिया और एक हमारी एक बच्ची आती थी, मैं उनके डैड का नाम जो उन्होंने मुझे खास लाया है मैं भूल गई हूँ, आजकल मेरे को थोड़ा भूलने का मसला अच्छा? शुरू हो गया है। माइंड टॉनिक लेनी पड़ेगी उसको पीने के लिए भी, माइंड टॉनिक मदिया के पापा। तो वो जो है ना उन्होंने मदिया मेरे पास आती थी, मैंने छोटा सा काम शुरू किया था घर में, तो वो इतनी सेटिस्फाई हुई थी जबरदस्ती मुझे ले गई। अच्छा। और वो मेरी पहली सीरी है FM 101। और आप यकीन करें कि वहाँ से जो मुझे मिला वो कहीं से नहीं मिला। मैं इतने चैनलों पे आई हूँ, इतने चैनलों पे, बल्कि आप यूँ समझे कि इंट्रोड्यूस ही पाकिस्तान में हर्बल को मैंने किया 99 में। माशाल्लाह। तो अब ये है कि अब जरा सा मीडिया मैंने कम किया हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पीछे से इतना निकल जाता है कि हम आगे आना ही पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, ये टॉनिक है ना, ना सिर्फ जो डॉक्टर साहब ने बताया विटामिन डी, मिनरल्स, कैल्शियम्स, और यहाँ तक कि इसकी गारंटी है कि आप एक्सरे निकालें और आपकी काली काली हड्डियाँ आती है वो 1.5 किलो पूरे साल में खाने के बाद, 4 महीने बाद ही चेक करा लें आपकी हड्डियों में। 4 महीने के बाद चेक करा लें। 4 महीने में जो आपकी हड्डियां जो अंदर से ब्लैक को खोखली पड़ी हुई होती है और जो आपका बोन लॉस हो रहा होता है मैटर में, जो बोन डेंसिटी कम हो रही होती है, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है, 4 महीने में समझे आप 50-60% तक रिजाउंडिंग रिकवरी कर। अच्छा, अब ये है कि ये आप इसको चखें और आपके डाइट में शुगर का भी बहुत इस वेरी टेस्टी। इसलिए पहन के आई हूँ कि आप ये देख रहे होंगे कि ये एज फैक्टर, ठीक है, right. और ये नो एक्सरसाइज फैक्टर, यानी 3 महीने से मैं हड हराम बन के बैठी हुई हूँ, और ऊपर से आजकल यूरिक एसिड भी मैंने देखो ये रात को कल अपना ब्लड चेक करवाया तो ये एक छोटा सा निशान आया। एलर्जी मुझे बहुत हैवी रहती है, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर निकल जाती हूँ तो मेरी अंडर लाइन आ जाती है, यानी बैलेंस के अंदर आ जाती है, और जैसे ही पाकिस्तान में आती हूँ तो मेरी एलर्जी आसमान पे होती है। तो कोई भी निशान है ना मुझे फौरन लगता है ये मेरे इंडिकेशन है मेरा एलर्जी जल्दी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रिलीज करने के लिए जो है ना आपने क्या करना है कि बर्फ लेनी है, और ये पहला जब आप फ्यू डेज मसाज इसको करेंगे, इधर बर्फ इधर ज्यादा, या फिर खाली हाथ तेल वाले हाथों से, तो इसको सर्कुलर वे में मारते मारते करें ताकि ये खून की जो गांठ बन गई है इसके नीचे वो सर्कुलेशन में आएगी। हाँ, और इसको ये देखें, ये डॉक्टर अजीम ने अपनी क्लिनिक पे ये सारे ट्रीटमेंट ऑन कर दिए हैं, इनकी बेगम पारस भी कर दी। अब ये जो चीज लूज हो रही है ना, लूज हो रही है ये बोन की कमजोरी है, एक फैक्टर जो एज के साथ जाती है, तो भी कम है बहुत लोगों के यूं लटक गए होते हैं। फिर इसको ये ट्विस्ट करें, देखें तो जब भी मौका मिलते हैं ना तो ये ट्विस्ट करें, ये खाली जस्ट एक्सरसाइज करते हैं यूं करके, तो ये बैठे बैठे जैसे मैं टीवी देख रही हूँ तो मेरे शोल्डर से जो मेरी लूपिंग हो रही है मैं यूं ड्रिप हो रही हूँ, बैठने की भी आदत जरा सा ढीली वाली हो गई है, और हर वक्त तो हम ये नहीं कर सकते नहीं, कोई बोलता है तुम यूं होके बैठो तो मुझे नहीं लगता कि आसान है। तो जब भी मौका मिले अपनी अपनी गाड़ी की सीट पे बैठे हो, अपने ऑफिस की सीट पे बैठे हो, इवन स्कूल की सीट पे भी बैठे हो, जहाँ चांस मिले तो ये ट्विस्ट करें, इससे आपके मसल्स भी बन जाते हैं और जो है आपका जो जिस्म डल रहा होता है, लोगों के साथ 30+ में जाके जिस्म लटकना स्टार्ट हो जाता है वो मेंटेन रहता है। और एक हाथ साथ नहीं करिएगा, दोनों साथ में, ताकि आपके चेस्ट से भी जो लटक रहा है मांस वो पुल होना स्टार्ट हो, एक ये फैक्टर। दूसरा, सुबह सुबह जब हम उठते हैं, ठीक है, हमारे ये जब ये लूज हो रहा है तो ये भी ड्रिपिंग पर है, तो टांगे दोनों ऊपर करके इसको ट्विस्ट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, टांगे भी ऊपर करके उनको ट्विस्ट करें, और सुबह सुबह निहार मुंह और बाथरूम जाने से पहले, क्योंकि जहाँ पर ब्लैडर आपका पेशाब से भरा होता है ना वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो जो पेट लटकने का अमल है वो भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग क्रैम्पिंग का शिकार रहता है, मैं वो बहुत फोन आते हैं कि मैं पैरों में यंग एज में 28-27 में क्रैम्पिंग हो रही है, तो ये सपोर्ट के ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके जो ऑक्सीजन लेवल है वो पैरों तक सही नहीं पहुंच रहा होता, वो पहुंचना स्टार्ट होगा। कोशिश क्या करें, जब भी रात को सोया करें एक छोटा पिलो पैर के नीचे रख के सोया करें ताकि सर्कुलेशन यूं वापस आए। ओके ग्रेट, तो मजीद बातचीत के सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केयर में गलायो जी, फराना बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर सुकैना से ये पूछना था। हेलो जी, पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे पूछना था, मुझे 4 सीजर हुआ है, 20 डेज हुए आज मुझे,
और मेरा जो नीचे से टमी है वो बहुत ज्यादा निकला हुआ है और डॉक्टर ने मना किया कि बैल नहीं बांधे, तो ये टमी किस तरह से अंदर जाएगा, क्या किया जाए इसका, कुछ बताइए। आपकी एज क्या है बेटा जी? आपकी उम्र कितनी है? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, सॉरी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी आवाज आप सुन? मेरी उम्र 33। और मैरिड हो अनमैरिड हो? चौथा सीजर की है। फोर सीजर है आपके? चार सीजर के 20 दिन पहले चौथा सीजर। फोर्थ सीजर हुआ है। फोर्थ सीजर हुआ है। आपको बता दें सीजर वालों को ये मसला होता है। ओके, आप मुझे ऑन एयर बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। और कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, आपको अभी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर। अच्छा, ये जो आज इत्तफाक है कि वो सिर्फ स्किन को लिफ्ट नहीं करती जो मैं चीज बनाने जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि होम रेमेडीज मेरे पर छोड़ी हुई है और कमर्शियल रेमेडीज में नजीम पर छोड़ी हुई है, क्योंकि वो बड़े पैमाने के काम होते हैं, तो खाली टीवी वगैरह के लिए हम बताते रहते हैं। तो जो चीज अभी मैं बताऊंगी, एक ही चीज में से मैं बचत करती हूँ कि हमने अंडे की सफेदी को फेंका नहीं, अंडे के छिलके को फेंका नहीं, और इधर हमने जर्दी को किस तरह काम में लिया, क्योंकि मल्टीपल और एक ही दिन गंदे हो और अच्छे से ना धो के बाहर निकले। तो ये कि मैसी मैसी हो, लेकिन क्या है उस मैसी होने का फायदा, स्किन लूज हो जाती है। हाल फिलहाल तो देखिए सीजर जब अर्जेंट होता है तो एकदम से स्टिचेस भी हफ्ते बाद डेढ़ हफ्ते बाद निकलते हैं, तो एकदम से ना बेल्ट पहना जाता है ना एक्सरसाइज एकदम से स्टार्ट की जाती है, इजाजत भी नहीं होती है, तो थोड़ा सा टाइम जाने दे उसके लिए। हाल फिलहाल ये जो पैरों की एक्सरसाइज भी अगर स्टिचेस में जोड़नी पड़ता तो आप उसको पैरों की थोड़ी 30 डिग्री पे कर ले, 30 डिग्री तक उसकी थोड़ी मूवमेंट करे तो थोड़ा सा टमी जो है ना, क्योंकि फोर्थ ये चौथी मरतबा सीजर है तो आई थिंक डेंजरस होगा इनके लिए, कोई भी होता है इसके बाद एक्सरसाइज या कोई भी। आजकल तो 5 पे भी ले जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि अब ना जाए, आगे बेबीज अल्लाह जितने उनको जिंदगी दे और अच्छी अच्छी जिंदगी दे, लेकिन ये है कि माँ के लिए सीजर बड़े नुकसानदेह होते हैं, बच्चों के लिए ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर अल्लाह ना करे 5 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन काटते हैं, जैसे आपकी ये इधर जैसे ना जाली जाली ऐसी जालियां होती है 3-4 किस्म की, उस जालियों को काटते काटते आप यूट्रस तक जाते हैं, फिर उसको बस्ट करते हैं और उसमें से बेबी आप निकालते हैं, तो 4 दफा आपको चाके लगे, किस किस एंगल में लगे वो तो डॉक्टर जानते हैं, लेकिन आपका आपकी मेम्ब्रेन रीगेन कैपेसिटी जो है ना चौथे सीजर में आके खत्म हो जाती है, तो 5वां जो है इट्स द रिस्क फॉर द मदर, तो इट्स बेस्ट या 4 टू फॉर अ फोर्थ बेबी, मोर देन 4 बेबी। अच्छा, एक और बात, हमारे यहाँ बड़ा कल्चर निकल पड़ा है, हमारे जमाने में सिजरियन 10 लाख में से एक को होता था, वो भी इमरजेंसी की सूरत में। हाँ, बहुत ही इमरजेंसी हो, और अब हर बच्चा क्योंकि माँ वो पेन नहीं उठा सकती, माँ वो काम नहीं करती है, मेरे फर्स्ट बेबी मेरा अली जो था वो मुझे 9 मंथ बेड रेस्ट के बाद मिला, मैं 9 महीने पलंग पे थी, तो भी मेरी आखिरी मिनट तक कोशिश थी, लेकिन हुआ फोर्सअप बेबी, लेकिन सिजेरियन फिर भी नहीं हुआ। हम लोग में क्या कराते कि झाड़ू लगाने का और पोछा लगाने का 9th मंथ स्टार्ट होते ही, जब आप बीच में ज़मीन पे बैठ के जब झाड़ू पोछा करती हैं झाड़ू करती हैं ना, तो वो हड्डियां आपकी रिलैक्सिंग पोजीशन में खुलने लगती है, तो इधर 100% चांसेस है कि नॉर्मल बेबी हो। अगर हमने ये सब नहीं किया, अगर मैं अपनी बहू को बोलूं या किसी को बोलूं ना, तो उनको बुरा लगता है कि सास झाड़ू पोछे का बोलती, नहीं सास आपकी माँ है, वो आपको आपके अच्छे के लिए बोलेगी। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं ये सब चीज़ देख चुकी हूँ अपने रियल लाइफ में। बहू तो मेरी खैर करने लगी थी उसको, लेकिन उसका कुछ और ही मैटर था, लेकिन क्योंकि होता है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ इसको नेगेटिव लेती है, तो प्लीज़ जो हम बड़े बूढ़े बोलते हैं, आज भी बड़ा बूढ़ा कुछ अच्छा सिखाएगा, तो बड़े बूढ़े को माने और उसको वो नहीं, बल्कि मेडिकल ने भी शायद ये सारी बातें ऑलरेडी बता दी, इधर पाकिस्तान में नहीं, लेकिन काफी आर्टिकल अमेरिका में तो बाकायदा आपको दे गिव यू ट्रेनिंग ओवर दिस के जो प्रीनेटल केयर होती है, पोस्टनेटल केयर होती है, डिलीवरी केयर होती है, हस्बैंड के साथ आपको एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करवाई जाती है फ्रॉम 3rd-4th month ऑनवर्ड्स। राइट, बल्कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया सिखाए जाते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ये कि बच्चा माँ के पेट में पानी में होता है, नार के साथ उसका कनेक्शन होता है, वो पानी के अंदर वो बच्चा डिलीवरी कराते हैं बाकायदा, आप हॉर्स में बैठ के वाटर डिलीवरी बोलते हैं वहाँ पर, तो सेफ फॉर द बेबी, क्योंकि वो चील के अंदर होता है और पानी से निकला हुआ, तो डायरेक्ट पानी से उसकी कोई सांस की नाली में पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाता, डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है, कंफर्म होती है कि आप यू आर इन अ सेफ साइड, यू को वाटर में करते हैं तो टेंपरेचर भी, तो ये तो बड़ी कुछ सेंसिटिव किस्म की बात है, हां ये हो गई, अभी मैं चाहूंगी कि अपने वाले घर, लेकिन इससे पहले म्यूजिक की कमी को हम फील कर रहे हैं, और हमारे साथ बड़ी अच्छी आवाज के मालिक सिंगर भी मौजूद हैं, तो उनको भी हम चाहेंगे कि बराबर के टाइम दें, तो छा बुधायण चाहिए दोवा राजा साहब खिदमत में, घायल जी जो बात शायरी तो बताएं जी, बिस्मिल्लाह बहादुर घायल जी जी, ठीक है जी, भाई लोग तैयार हो,
ਜਣ ਸਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮਾਣੋ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਨ ਜੀ ਤੋਖੇ ਪਾਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁਬੂ ਸਾਜੀ ਤੁਝੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਝੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੁਬੂ ਸਾਜੀ ਤੁਝੇ ਦਰ ਤੇ ਛਲਿਓ ਝੋਲਿਓ ਫਕੀਰਨ ਜੀ ਤੋਖੇ ਪਾਰਤਾ ਸੱਜਣ ਸਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮਾਣੂ ਸੱਜਣ ਸਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮਾਣੂ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਨ ਜੀ ਤੋਖੇ ਪਾਰਤਾ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਨ ਜੀ ਤੋਖੇ ਪਾਰਤਾ
आप जब काम कर रहे हो लाइट सा म्यूजिक हो ना तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता, और ये होता है अभी इसमें ये नहीं डाला वो नहीं डाला, गाने के साथ खुद ही खुद ही सब यकीन करे मेरी लाइफ में तो जब तक म्यूजिक ना हो मुझसे कोई अच्छा आप ऐसे इवन वो यकीन करिए मैं एग्जाम्स की तैयारी हैंडफ्री कान में लगे हुए म्यूजिक सुन रही हूँ और पेपर याद कर रही हूँ, आप बिलीव करेंगे क्या मेमोरी थी, लेकिन अब तो खैर उम्र का तकाजा है तो हम ये जो रेसिपी आप बता रही हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर लेकिन ब्रेक के बाद, तो इजाजत है सो व्यूअर्स बदमाश के मुक्के से ब्रेक ना जिसना रहो सलाम सिंध मिलो था ब्रेक ना पर जी व्यूवर्स मुख़्तसर ब्रेक हुए ब्रेक खां पोए मामा के चयो तव्हांखे कुझु स्पेशल ई ॿुधाईंदासीं सो डॉक्टर सुकैना ये जो हम कुछ मिक्सचर बना रहे थे बहुत जबरदस्त मिक्सचर बनाए हमने जर्दे को अलग कर दिया खा नहीं सकते लगा सकते हैं अच्छा। खाने वाले बहुत खा भी जाते हो कोई बुराई नहीं है अच्छा, अच्छा। क्योंकि सारी वही घरेलू चीजें होम रेमेडी है बहुत सारे लोग जो कच्चा अंडा खा सकते हैं वो उसको आराम से ले सकते हैं कुछ के मेरे नखरे तो मैं नहीं बोलूंगी अच्छा ठीक है पूरी रेमेडी आप मुझे बताएंगे ये देखिए ये तो है ना हमें व्हाइट ऑफ एग को पहले बताते हैं उसके शेल में नेचुरल झिल्ली होती है ठीक शेल अगर आप गमलों में भी ये अंडे के कचरे डालें तो वो आपके अलाइव हो जाते हैं गमले भी तो इंसान की स्किन तो बहुत ही हाँ तो आपने इसके अंदर ये वाइट ऑफ एग डाल दिए इसमें थोड़ा मैंने एलोवेरा को थोड़ा काटा यूजली इसको ब्लेंड करके डालते हैं ठीक है इसमें हमने एक लेमन डाला निचोड़ अच्छा, दिया हाँ और इसके साथ जो है ना अभी हम पहले इसका मसाज लेंगे ठीक है और इसका खूब अच्छे से मसाज लेके फिर इसके बाद यानी पूरा आपने अच्छे से मसाज कराया कर लिया जो मैं हर्बल पार्लर जो खोल रही हूँ हर्बल थेरेपी पार्लर 2-3 महीने में इंशाल्लाह तो ये सब चीज़ें उधर होगी लेकिन हम घर में बना सकते हैं इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ इसमें हमने थोड़ी सी चावल का आटा चावल का आटा और फिटकरी है ठीक है थोड़ी सी जैसे 100 ग्राम चावल का आटा है तो 10 ग्राम फिटकरी है फिटकरी उसको पीस के एक दफ़ा रख दिया और थोड़ी बादाम भी पीस लें तो अच्छा इसमें है नहीं बादाम ठीक लेकिन अगर वो कड़वी बादाम पीस के रखें अब इसको बीट किया देखें ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो गया अच्छे तरीके से पहले तो आपने वो पेस्ट को मसाज कर दिया फिर इसके बाद ये जो बच्ची का फ़ोन आया कि मेरा पेट गिर रहा है तो इसमें जो फिटकरी है उसके जो टांकों की जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया उसको भी किल करेगा स्किन डिजीज को भी किल करेगा एक्ने है और स्किन टाइटनिंग के लिए ही बनाया है अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मुंह पे लगाएं फेस को आपने ऊपर की पोजीशन में मसाज किया एकदम जैसे आप इस पोजीशन में मसाज करिए और इसी तरीके से हाथ पे जब मसाज करती हैं तो हाथ को ये ट्विस्ट करके यूँ नहीं कि इस पोजीशन पे आप इसको लगा दें तो ये और लूज हो जाएगा नीचे गिरेगा तो इस पोजीशन पे आपको ये रहेगा आप पलंग पे लेटी भी रहेंगी उधर तो ये यहाँ पे बिठा के करते हैं ज्यादा और फुल पंखा खेलो विद इन 2-3 मिनट्स ये सूख जाएगा और इसको अच्छा सा आप मसाज करें काम वाली मासी को बोल दें घर में कोई और हेल्प है और सबसे अच्छी हेल्प तो हस्बैंड होते हैं तो वो क्योंकि मार रहा होता है उसकी भरास भी निकल जाती है और स्किन भी टाइट हो जाती है क्या तरीका बताया आपने वैसे क्योंकि मारते मारते आजकल इसको मारते मारते लगाना आजकल की खवातीन से मर्द जरा डरते हैं तो इसलिए नहीं नहीं वो यूं बेचारा नहीं कर सकते खिदमत के चक्कर में थोड़ा सा कर लेवे ना हाँ वो देखे ना देखे आवाज नहीं और सुने आवाज भी आ रही है तो उसकी उधर से थोड़ी बरास निकल गई फिर वो थोड़ा बीवी को बोलेगा मैं खून को ज्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश करूं लाल लाल कर देवे थोड़ा हाँ तो ऐसे बेचारा आजकल यूं है तो यूं कर ले हम लोग ये रास्ता बता दिया ये सारा जो तरीका है ना वो गरीब मर्द हजार जो है ना जो कुछ ज्यादा ही और हाँ इसके साथ आप थोड़ा सा टॉनिक पाउडर डाल दें क्योंकि इसमें मल्टी चीजें डली हुई है नेचुरल हर्ब्स का बादाम अखरोट चार मगज और पता नहीं गुंदर भुंदर अभी देखिए ना चिलगोजे नाम ले और हमने डाला है ठीक है और ये हड्डियों को मैंने बताया डॉक्टर साहब ने अब देखें तो ये मल्टी को भी बहुत प्रोटेक्शन पहुंचा अच्छा अब ये हमारा दूसरा पीस बच गया इसको हम जाया नहीं करेंगे मैं मेयोनीज घर से ले आई हूं ऑर्डिनरी मेयोनीज है इसके अंदर हमने थोड़ा एलोवेरा काटा वैसे ब्लेंड करें तो अच्छा है क्योंकि वो फिर पीसेस के फॉर्म में वो फॉर्मेट नहीं आती है अच्छा इसके अंदर आपको लोहे का चमचा नहीं यूज करना लोहे का बर्तन नहीं है कांच हो या प्लास्टिक हो
हाँ या मेलामाइन हो बट नॉट धात ना हो. क्यों? अच्छा इसका कोई खास? हाँ, उसके केमिकल रिएक्ट करते हैं. अच्छा, हर हर्ब्स में भी नेचुरल केमिकल्स होते हैं तो रिएक्ट होके उसको ऑपोजिट कर देते हैं. अब ये आया, इसके अंदर हमने एक नींबू भी निचोड़ा बालों को. ये लस्टर शाइन पहुंचाता है, क्रिस्टल क्रिस्टल स्प्लिटेंस भी खत्म करता है. हाँ बोले ना डॉक्टर साहब, ये आप अपने सीरम में ये डालते हैं सर. पेस्ट बनेगा ना मायोनीस और हनी के साथ, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे हम अपना. उसके अंदर हनी होता है और 27 डिफरेंट ऑयल्स होते हैं और 101 जड़ी बूटियों के साथ पका हुआ. देखिए ऑयल ही बिल्कुल डिफरेंट किस्म, आपके किचन में हम बना चुके हैं. बिल्कुल बना चुके हैं, मुझे याद आया. ये वाला ये जो है ये प्रोटीन ऑयल है. ठीक है, ये हमने ये बनाया. बालों की जो स्प्लिट एंड्स हो जाती है अक्सर खवातीन बोलती है कि अपने ज्यादा रिबॉन्डिंग और टॉनिक पाउडर अगेन बहुत जरूरी है हर चीज में. एक तो चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे ईट करें या लगाएं भी, क्योंकि आउटसाइड क्लियर भी ये चीजें मांगती है. विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन सी में बहुत इनरिच होता है, तो कलर खोलने में, बालों के टेक्सचर इंप्रूव करने में, बी कॉम्प्लेक्स में इनरिच होता है, स्प्लिट एंड्स बेटर करने में, और जिनके बाल बहुत ज्यादा जैसे शैम्पू करने के बाद एकदम रफ हो जाते उसके लिए एक लेप, जैसे लोग प्रोटीन करते हैं, कंडीशनर करते हैं नहाने के बाद, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और लगाने का तरीका कैसे? अभी यहाँ पे भी बड़े बाल है तो ये जैसे अभी मैं इनको थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, ये जैसे आपने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक. हाँ यहाँ तक देखो, और ये स्ट्रेट जो आप लोग इस्त्री करते हो ना, अगर इसको खींच के आप ये करोगे ना, आपको इस्त्री भी नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रेट हो जाएंगे कंफर्म, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक. ये देखें और जब आप इसको, और देखें इसका ये अरोमा ऑयल है, खुशबू सूंघे, इसमें कोई इसकी बू नहीं है, ये अरोमा ऑयल है लेमन का. अंडे की स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर, ये लेमन का अरोमा ऑयल के साथ में डाला हुआ है. मेरे जैसे बंदे तो कम से कम कभी ना लगाएं, क्योंकि अंडे से समटाइम्स हम बर्दाश्त नहीं कर पाते अंडे की स्मेल. तो बहरहाल ये आपने जो सीरम बनाया वो बालों के लिए, बालों को आप बहुत अच्छा लुक दे देता है, स्पेशली जिनके नरिशमेंट, और जो बहुत लोग डाइज यूज करते हैं उनको गंज आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है. ओके अच्छा, और ये जो निशान चाहे स्किन पे हो चाहे मुंह पे हो, ये पिंक क्रीम, ये तो घर का टोटका हो गया, स्लो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है. अब डॉक्टर अजीम के पास स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे आज ही बच्चा शादी हो, आज ही बच्चा हो जाए, आज ही बच्चे की शादी हो, सबको इतनी जल्दी पड़ी है. जिस तरह आप रोड के सुबह सुबह आप आके कह रही थी सबको जल्दी पड़ी है, तो यहाँ ये इस दर तक जल्दी हो गई. बल्कि यूँ करते हैं, फर्ज करें कोई पेशेंट आपके पास आया, आपसे ट्रीटमेंट करवाया, एक हफ्ता आया, ठीक है, एक हफ्ते की दवाई खाई, यार ये डॉक्टर अजीम पता नहीं क्या है, इसकी दवाई में तो असर ही नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ से कोर्स कर लिया. समटाइम्स ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुछ चीजें जरा स्लोली स्लोली वर्क करती हैं. और हर्बल नेचुरली बातें, और ये जो चीजें जो क्यूरेटिव होती है ना, वो इन जनरल एलोपैथिक की तरह एकदम फास्ट एक्टिंग लाइक पेन किलर्स नहीं होती, खाया और रिजल्ट आ गया. एंटीबायोटिक्स भी नहीं होती, एंटीबायोटिक्स भी नहीं होती, ये नेचुरल फॉर्म है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे यूज होती है, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days टू गेट द बेसिक रिजल्ट, लेकिन एक वीक में समझो अच्छा रिजाउंडिंग 20-30% हर चीज. आप लोग गाइड करते हैं किसी पेशेंट को? अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाज होते हैं, हम लोग सबको गाइड करके बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम बोलते हैं हम स्टेरॉइड और कार्टिजोन डॉक्टर्स नहीं है, यू हैव टू गिव मी कपल ऑफ मंथ, नॉट weeks. You know, weeks or days. No, हम पहले रिपोर्ट निकालते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि खून में बात बिगड़ गई है कि ऊपर ऊपर है. ऊपर ऊपर तो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन तो भी हफ्ता 15 days नहीं, इट्स टेक टाइम, इट टेक्स रिजल्ट, तो एक हफ्ते के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बेसिक जो आप कोर्स है एटलीस्ट 2-3 months. और अभी ये इसका भी हमने हल निकाला है, क्योंकि जो जज्बाती है वो तो है ही, तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, जो मैं 2-3 months के बाद इंस्टेंट रिजल्ट के लिए. अच्छा, और उन्होंने शुरू कर दिया. वो क्या है? मैं डिटेल से जानना चाहूंगी. जो है मैकेनिकल मशीन होती है, उसमें फेशियल करते हैं, क्रीम मैं खुद की सारी बनाता हूँ, उसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट्स या ऐसे कोई आर्टिफिशियल वाइटनिंग एजेंट्स या कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं डालता, कि आर्टिफिशियल अंकुल, बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे, हर्बल मटेरियल पे, होम्योपैथिक मटेरियल्स पे क्रीम्स बनी हुई होती है, तो अंदर जाके स्किन की मैल बाहर निकालती है सारा, जो आपको पोल्यूशन की वजह से, और मशीनों के जरिए करते हैं, तो आपके समझे 40% विद इन फर्स्ट यूज ही आपकी एक्नी अगर हो रही हो तो स्किन पर वो भी साफ हो जाती है, एक्नी के निशान भी साफ हो जाते हैं, और 40% कलर पर इम्प्रूवमेंट आ जाती है फर्स्ट सिटिंग में. और हम वो भी वो ऐसा हरामपाई वाली बात नहीं कि आपको चिट्टा करके निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये हो रहा है. आप देखे ना, अभी टीवी पे मैंने एक दो प्रोग्राम किसी को देखा, कोई बंदा स्नेक का ऑयल बेच रहा था, स्नेक का ऑयल, सांप का तेल. आपको पता है सांप का तेल हम भी डालते हैं, लेकिन फ्यू ड्रॉप्स वो बेच रहा है, पूरी बॉटल बेच के, भले कितने भी हजार की, अगर वो डायरेक्ट स्किन पे जाए तो छिलके उतार के फेंकेगी. एलिगेटर और वो इनको पता नहीं होता, शेर का तेल होता है, वो बहुत लाइट क्वांटिटी में यूज होता है, वो भी बिल्कुल डाइल्यूट करके अगर डायरेक्ट लगा देंगे, फर्स्ट टाइम सुन रही हूं कि सांप इतनी जहरीली चीज का ऑयल नहीं निकलता है, नहीं चीजों में यूज होता है, गर्म इन तासीर होता है, लोगों को लकवा पड़ जाता है, फ्यू ड्रॉप्स जाते हैं ना.
आप लकवा पड़ जाए, जिसको लकवा पड़ जाए और जिसको पहले से स्ट्रोक होता है उसके लिए सांप का या शेर का तेल अगर मिल सके उसके बाकी तेल में, ऑलिव ऑयल में या सरसों के तेल में मिला के मसाज करें, कितनी क्वांटिटी है वो पता होना चाहिए। वो पहले डोज बनाना, वो तो उससे नेचुरल एलो वो जो है अपना एरोमापैथिक ही उसको जो है कंपोज कर सकता है। नेचुरली आप खुद नहीं बना सकते हो घर के अंदर, क्योंकि दो ड्रॉप मिला के देंगे एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। 5,000 या 10,000 का तेल है और सांप हमारे मुल्क में बहुत है, बहुत इतने सांप है कि आपको कोई भी वो जो वो क्या वो टोकरी लेके सपेरे जो लेके घूम रहे होते हैं आप इनको पैसे दे दो हमें भी ला देते, क्यों झूठ बोलेंगे। और हमें पता है कि ये तेल मिला के लाया कि सांप का तेल पहचान में भी होते वो जिल्ली सी बन जाती है उसकी, आप थोड़ी देर में निकाले ना तो इसका वो सीरम बन जाता है, तो वो भी एक पहचान होती है। और वो सीरम आप किस तरह सेव करते, 10 मिनट के बाद तो काला हो जाता है। अच्छा, तो अगर इतना बहुत सारा ये स्टडी कर लिया है किसी ने तो वेल एंड गुड, लेकिन हमने तो जिंदगी निकाल दी। मेरे बेटे को भी अभी तक मैंने सब तैयार करके देती हूँ कि इस कैटेगरी पे तुझे ये डालने का है। कभी कभी जज्बाती, अभी देखिए ये रेडिएशन की जज्बाती, इन्होंने लास्ट टाइम क्या बताया था बताएं, रेडिएशन नहीं रेडिएटर, रेडिएटर रेडिएटर का क्या किया बताएं, लेकिन दोनों एक ही जितने खतरनाक है, रेडिएशन हो या रेडिएटर हो, है ना, बताएं तो ये क्या था जो आप बता रहे थे। आपकी सांस बंद है हमें पानी। अच्छा अभी आप बता दें, ये माइक बंद है, तो गाड़ी जब स्टार्ट करनी चाहिए तब उसमें हम पानी डालेंगे, वरना वो ये देखिए अभी मुझे बर्न हॉस्पिटल भेजना पड़ा और स्टिल इज नॉट डन, अभी भी जा रहा है, यानी थोड़ा सा हीलिंग बाकी है। तो मजीद बातचीत करेंगे। अमा का पूछूं चाइना सिंह राजा साहब, तमा के का सिखिया बढ़ती है ये मुझे उस्ताद शिकारपुर में मरो मायने वक्त जेको आज उन दुनिया में उस्ताद वरल दास अल्लाह उनके जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें सा गदाएं। सो छा बुधान चाहिए, असा चाहिंदा सी एको कलाम थी बने जी। हाँ मैं पंजे मुर्शिद की शायरी तो बताया, सईद नूर मम शाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी की फिराक थी जेको आज वो है वाह, विछोड़े जी इजाजत है, ओके जी। तोखा तो के थो घुरा मुखे शान घुरजे शान मुना ले तुझे सजान आहे वडो ही मान अचण जो करे ऐलान या मोकल दे त मरी वना होला ओ जुदाईअ में जेड़ियूं दुखन जो सफ़र आहे जुदाईअ में जेड़ियूं दुखन जो सफ़र आहे ओ जुदाईअ में जेड़ियूं
ਦਾਈ ਐ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖਨ ਜੋ ਸਫਰਵਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਲਾਗ ਮਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਵਾ ਸੁਰਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮੂਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮੂਤੇ ਸੁਰਨ ਜੋ ਸਮਰੋਆ ਦੁਖਨ ਜੋ ਸਮਰੋਆ ਜਦਾਈ ਐ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖਨ ਜੋ ਸਮਰੋਆ ਓ ਜਦਾਈ ਐ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖਨ ਜੋ ਸਮਰੋਆ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਰੀਐ ਲਾਗ ਮਨ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੋ तमाम बेहतरीन जी व्यूवर्स इन्हीं से गड़ वक्त आए हिते ग्रे मुक्त से ब्रेक जो बदना सी ब्रेक ना लिसना रहो अमान जो पांडे टीवी चैनल सिन टीवी मुझे सिंह के सलाम सलाम सिंह 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 जी व्यूवर्स मुख़्तसर ब्रेक हुई ब्रेक का पे अस वापस अची चुका आयो गाल बोल के साथ कंटिन्यू कदासी ब्रेक का पे जो एक सीरम ठाण सिखारो स्किन के टाइट करने लाए तरीको बुधा उम्मीद है तुम जरूर पाँ घर में इनके ट्राई क्यों अप्लाई क्यों उन जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हमें जरूर बताएंगे अब जिस टेक्सचर में मैंने जरा सा लगा के छोड़ा था कि अभी कपड़े वपड़े गंदे नहीं हो सर दिल खोल के लगाते हैं इसको माल अच्छा, भी बनाए यानी कि पूरा अगर बालों में डाल निकल जाऊंगा ना घर जाके लगाऊंगा तो ये ठीक है ये जैसे ना अब ये देखिए जिस पोजीशन में छोड़ा है वही और जब वॉश करेगा इसी पोजीशन में अच्छा और जिसको स्ट्रेट नहीं चाहिए लाइक मी अगर कर्ली चाहिए ना बेबी तो आप जैसे ये कर लेना तो बाल यूज किच कर ले कर लिया जाए कल कल ऐसे नीचे हां फॉरएवर देखो जैसे आप ही हफ्ते में एक दफा जरूर किया करें ठीक है यूपी निचोड़ ले तो ये जो आपको कर्ल चाहिए मैं थोड़ी लेजी किस्म की बंदी हूँ मतलब मूड पे डिपेंड करता है ना देखिए ये आप बात आई ना लेजी में आई ना तो अभी यहाँ पे क्रेजी पर बता दें आप जो जो इंस्टेंट हो देखो लेजी भी इट वर्क्स लुक इट्स जस्ट मायोनीस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ एक लेमन डालो एक अंडे की जर्दी इसमें क्या लेजी टॉनिक पाउडर भी डाल देते हैं इतने सारे काम होते हैं कि जब हम घर पहुंचते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं कि खाना भी हमें चाहिए हालांकि मैंने बनाया मुझे लगाने की भी सुस्ती है नहीं होता यकीन करें लेकिन हाँ जो लोग घर पे होते हैं जरा टाइम उनके पास थोड़ा बहुत होता है तो अप्लाई करना चाहिए क्रेजी मेरे पास जिस तरह ब्यूटी को इंस्टेंट रिलीव करने की जो आती है ना कॉल्स और इतना माल मंगाती है ना वो सब इंस्टेंट वाली है मुझे पता है अच्छा ये तो था लेजी वाला फार्मूला वो जरा थोड़ा फास्ट क्रेजी वाला है इसमें भी जो मैं दवा बताऊंगा उसको जो बनाने का प्रोसीजर बताऊंगा वो बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके डोजेस जो है ना आपको बहुत एक्यूरेट रखने पड़ते ताकि इसका रिजल्ट अच्छा आए और रिजल्ट फास्ट स्लो स्लो आराम से बताइएगा पेन और पेपर जरा उठा लें पेन और पेपर उठा लें ताकि मैं आपको एक क्रीम कैसे बनानी है आपको पूरा उसका फॉर्मेट बता दूं बता भी चुका है हां लेकिन बनाना सिखा भी चुका हूं ये फिर भी जो इस वैद्य के लिहाज से इट्स रियली रिच इन विटामिन सी तो विटामिन सी के एम्पल्स आते हैं अलग से आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लेना है वो 100 ग्राम क्रीम लेनी है फ्रेश यूज के लगा बनानी है कोई भी क्रीम हो आप घर के अंदर आपकी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम पड़ी हो नॉर्मल बॉडी लोशन पड़ा हुआ आप 100 ग्राम वो ले लीजिए उसके अंदर अगर आपकी स्किन जो है अगर ड्रायर साइड पे जा रही है इस वेदर में काफ़ी कुछ लोगों की स्किन ड्राई रहती है मोस्टली लोगों की ऑयली रहती है तो आप कोशिश करें आप इसको मॉइस्चराइजिंग लोशन में ना बनाएं जिनकी स्किन ऑयली हो जाती है नॉर्मल क्रीम के अंदर बनाएं सही है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ हनी 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम के अंदर
वो नेचुरल जो आपकी स्किन पे जो लस्टर और शाइन बोलते हैं कि हमारे चेहरे से चले गए, वो आना हनी की वजह से आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर विटामिन सी की इजीली कैप्सूल भी मिल जाते हैं, एम्प्यूल भी मिल जाते हैं। वो आप इसके अंदर एक एम्प्यूल या एक कैप्सूल आप खोल के जेल बेस खोल के जैसे उसका पानी लाइक जेल के अंदर ड्रिप कर दिया, जो वन कैप्सूल इज मोर देन इनफ फॉर 100 ग्राम, सही है। इसके अंदर फिर जो हम दवा डालेंगे दैट वुड बी सल्फर, जो स्किन की एलर्जीज होती है उसको सेट रखता है। और क्रीम लगाने से दाने बाहर नहीं निकलेंगे, गर्मी बाहर नहीं निकलेगी, सही। मदर टिंचर में क्यों 20 ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर, और थूजो ऑकेंटाइल्स डालेंगे वो 30 ड्रॉप्स डालेंगे इसमें मदर टिंचर के अंदर। अगेन देन वी पुट इन कैलेंडुला, वो हम 50 ड्रॉप्स डालेंगे 100 ग्राम्स और जो 1 टेबलस्पून हनी के साथ में मदर टिंचर के अंदर ही। और बेबी जो के फूल हम डालेंगे मदर टिंचर में भी क्यों, और साथ में थोड़ा सा चाइना डालेंगे तो वो नेचुरल स्किन को खून पहुँचाता है। Okay, तो आपकी स्किन पे जो आप बोलते हैं ना ग्लो खत्म हो गया है, रेडनेस नहीं आ रही, मतलब जैसे पिंकी पिंकी स्किन होनी चाहिए वैसी नहीं है, पेल लग रही है, तो वो नेचुरल अंदर जाके आपको बी कॉम्प्लेक्स भी पहुंचाएगा, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी इनरिच हो जाएगा जो आप दवा डालेंगे साथ में हनी के साथ में, और लस्टर शाइन की जो आप जरूरत बोले आएगी, और नेचुरल इसमें जो है ना आपका कलर स्टार्ट करेंगे। हल्की सी आँच पर थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, जैसे मिक्स हो थोड़ा सा मेल्टिंग स्टाइल का क्रीम है उसको मिक्स करके दोबारा डब्बे में डाल के रख दीजिए, थोड़े टाइम में ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रख के यूज कीजिएगा। और मेक श्योर कि आप कम होवे, क्योंकि उधर जब आपने होम्योपैथिक आपने होम्योपैथिक डाल आप हाथ पो जो कि वो ऊपर से अल्टिया से बचाने तेज आ पड़ेगा तो आंध्र आ जाएगी, जो दम पे हम कोई किसी चीज को लगाते हैं बस थोड़ी सी देर में ना क्रीम जस्ट विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट होगी, वही मेल्टिंग क्रीम में आपने मिक्स कर ली जल्दी से, वो आपने क्रीम निकाल के आउट कर दी। अब ये तो हो गया क्रीम का चक्कर, लेकिन इसके ये ऊपर की 5 लेयर्स तक काम के अंदर की लेयर कैसे सही होगी, तो इसके लिए नेजल ड्रॉप्स बताएं। बेसिक जो स्किन डिटीरियट होना स्टार्ट होते हैं ना, लोग देखें इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि भाई हमारी स्किन खराब हो गई तो हुई क्यों है, बेसिक रीजन होती है एवरीथिंग गेटिंग बैड, व्हाई इट्स गेटिंग बैड। अगर दाने निकल रहे हो तो उसकी भी वजह है, चेहरे पे झाइयाँ आ रही है, स्किन डिस्कलरेशन हो रही है, यहाँ से ब्राउन हो रही है, ब्लैक हो रही है, यहाँ अलग कलर लगी होती है, अर्ली एज प्रीमैच्योर एजिंग के रिंकल्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तानी हाइड्रेशन लेवल बहुत कम होता है, पानी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिससे ताकि ह्यूमिडिटी और गर्मी पड़ रही है तो 12 से 15 ग्लास अगर आप वर्किंग में है तो आप 15 ग्लास तो नेसेसरी पिए, और घर में हाउस वाइफ है तो 12 ग्लास भी मिनिमम नेसेसरी, हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे आपकी स्किन पे शो होता है कि यू हैव एन हेल्दी स्किन, आप उसको कम करना स्टार्ट जो आपकी स्किन और बाल पहले शो कर देंगे भाई हमें सही से जो है ना खाना पीना नहीं मिल रहा। तो जितनी अच्छी आप चीजें खाएंगे, फ्रेश जूस पिएंगे, जितने भी फ्रूट्स है उसका फायदा उठाएंगे तो आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो। अच्छा वैसे करते हैं कि फिर डाइट पे थोड़ी सी बात करते हैं, ड्रॉप के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन कॉल ले लें। हां श्योर, इजाजत है आपकी, बिल्कुल बात है, कॉल पे ले लिया करें, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केयर मुखातिब आयो जी, मैं शाजिया। शाजिया शाजिया चैनल अच्छा ये बताएं कि आप आई लव यू वाली हैं क्या, आई हेट यू वाली? नहीं नहीं, एक पेशेंट शाजिया भी आती है, उनका आई लव यू पहले आता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुकैना जी, अभी बात कर लें जी, बोले बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुकैना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज मतलब काफी दफा देखा भी है लेकिन लाइट चली जाती है, आज मतलब मैं आपको देख रही हूँ और आपकी बातें सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। काफी दफा मतलब मेरा दिल भी चाह रहा था आपसे बात करूं लेकिन लाइट चली जाती थी फिर मजा ही नहीं आता, तो आज आपको देख रही हूँ माशाल्लाह, मतलब बहुत प्यारी लग रही है आप। अच्छा और अच्छा बता भी अच्छा रही है, तो मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगी कि मतलब एक तो मतलब बाल बढ़ते नहीं है, दूसरा मतलब खारिश है, सर में खारिश होती है ना, इसका कोई बता दे। अच्छा आपके बाल सफेद तो नहीं हो रहे? मेरे नहीं है, मेरी कजिन का मतलब है प्रॉब्लम है। उनके बाल सफेद तो नहीं हो रहे जी? उनके बाल सफेद तो नहीं हो रहे? बाल वाइटिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे आवाज अच्छे पे आता है? हेलो मुझे आवाज अच्छे पे हो? दोनों के लिए बता देते हैं कि अगर काले बाल हों उनको खुजली हो रही है, डॉक्टर साहब
जी डॉक्टर, बेसिकली खारिश आ रही स्किन में, तो स्किन ड्राई हो रही है, तो आप इसके अंदर कोशिश किया गया कि जो एलमंड ऑयल है, कड़वे बादाम का तेल, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी खारिश आती है, स्किन में एलर्जी होती है, और एक सल्फर होम्योपैथिक ड्रॉप्स में आता है, कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो अंदर, तो आपको तो पूरा ऑयल अपने बनाना सिखाया कैसे बनाते हैं, वो आपने एपिसोड मिस कर दिया, सलाम से इनकी फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज पे आप उठा सकते हैं, इसीलिए उठा सकते हैं, उसमें ऑयल जो उसमें बनाना सिखाया, वरना आप जो भी तेल यूज़ करती है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सल्फर, मदर टेंचर में, अगर आप 100 ml कोई भी तेल आप मिक्सर कंपाउंड ले रहे हो तो 100 ml में आप 50 drops सल्फर के डाल लीजिए, 20 drops अर्नेका मोंटेना के डाल लीजिए, 50 drops एसिड फॉस के डाल लीजिए, जो डैंड्रफ भी कंट्रोल करेगा, सर की खारिश भी सेट कर देगा, और जो बाल बड़े भी करेगा, और बालों को स्ट्रेंथ भी देगा, जो बोलते हैं ना बाल बहुत रूखे सूखे हो गए, बहुत स्पीड से गिर रहे हैं खारिश की वजह से, डैंड्रफ हो गई, सिगरी हो गई, और अगर साथ में सिगरी का मसला हो, मतलब वेट डैंड्रफ जिसे कहते हैं, गीली डैंड्रफ जिसे कहते हैं, अगर वो हो गई तो साथ में बदियागा होम्योपैथिक में मदर टेंचर में आप 50 drops बदियागा होम्योपैथिक, और साथ में चाइना जो है मदर टेंचर में उसकी 50 drops डालेंगे, उसमें नेचुरल ब्लड बिल्डिंग और बी कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी होती है, तो खून भी बनाता है जिसमें बालों को नेचुरल हेमोग्लोबिन भी पहुँचाता है, खून फ्रेश बनाने में हेल्प करता है, और बालों को स्ट्रेंथनिंग ऑफ, और स्कल को स्ट्रेंथनिंग ऑफ। डॉक्टर अजीम एंड डॉक्टर सुकैना, एक बात जो कि यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग, इवन मैं अपनी बात करूँ, आप सबकी बात करूँ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि भाई आप ये करें, हमने एक हफ्ता किया, दो हफ्ते की, तीसरे हफ्ते छोड़ दिया, उसके बाद फिर महीनों महीनों बालों की कोई खिदमत नहीं करनी, कोई ऑयलिंग नहीं करनी, बेसिक कोई जो ऑयलिंग है ना, आपको नेसेसरी हफ्ते में एक से दो दफा मैं तीन टाइम करनी चाहिए, और हर वक्त भी तेल नहीं होना चाहिए, और हर वक्त बालों में तेल रखेंगे ना तो उसे गंज ज्यादा जल्दी आ जाती है, सिगरी होने का, काफी लोग आदत होती है तेल लगाने की, रोज झगड़ा होता है मेरा, हर वक्त तेल नहीं रखो तो बोलते हैं मामा उड़ जाते, मुझे मजा नहीं आता, बट आई बेसिकली इसके बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब आप कोटिंग होती है ऑयल की तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, बाल प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकते इसके लिए, जब मैं ड्राई रहता हूं, मैंने अक्सर ये बात नोट की कि अक्सर मेरी अम्मी हफ्ता इतवार जो उनको मिलता है मेहंदी और ऑयलिंग, ऑयलिंग जब अम्मी करती है तो फिर मैं उनको बोलती हूँ अम्मी सर में दर्द हो गया, फिर मुझे सोना है वैसे ही, अब क्यों लगा रही है, आपके तो काले बाल हैं तो आपके ऑरेंज नहीं होते, लेकिन जिनके व्हाइट बाल होते हैं ना तो मेहंदी लगाने से ऑरेंज वो अजीब सा कलर होता है, हो जाता, तो उसके लिए मैं एक नया तरीका बता दूं, वो कि हाँ हो या मुझसे पूछे, हर तरीका पता है, बता दे हाँ ना, आप लोहे की कढ़ाई लें, घर में लोहे की जो हम कढ़ाई पकाते हैं लोहे की होनी चाहिए, उस यानी उसका कंटेनर लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, उसमें आप इमली डालें, इमली इमली हाँ इमली और पानी, उसमें थोड़ा पका लें, इमली निकाल लें और उसके अंदर मेहंदी भिगा दे, इमली के जो दाने हैं वो निकाल लें, जो उसका रस आ गया ना, हाँ हाँ, और उस लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगा दे और सुबह में लगाएं तो आपको डार्क ब्राउन कलर आएगा, ये मेरी गारंटी है, थोड़ा काला सही पे सही कलर चाहिए तो काला पत्थर के थोड़े से एक्स्ट्रैक्ट, हाँ वो काले जो सुरमा होता है ना काला पत्थर का, वो डालें तो बाल जट काले आएंगे, ये केमिकल नहीं, लेकिन कुछ खवातीन को जरा पसंद होते हैं सारे के रंग ब्राउनिश हल्का हो ना, ब्राउनिश शेड इज गोल्डन, बहुत प्यारा शेड आता है, जैसे अभी मेरे व्हाइट है ना तो मुझे बहुत ज्यादा ब्राउन साइड पे आएंगे, आपके ब्लैक है तो आपको लाइट सा शेड आएगा, लाइट ब्राउनिश, हाँ अभी अजीम का जो बच्चा पैदा हुआ है अजीम के जैसा ही है, सुक्का सा, ये अभी मोटा सा हो गया ना, ये पहले सुक्का सा ही था जब ये था, तो उसने मुझे लगा कि आप डॉक्टर अजीम को बोलिए कि उनका बेटा भी इनकी तरह सुक्का सा है, पहले सुक्का था अजीम, ही बोर्न विद 5.5 pounds और इसका बेटा भी इतना ही पैदा हुआ है, तो इतना उसके भी गोल्डन बाल आ रहे हैं, आंखें भी उसकी गोल्डन है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी इसके बाल खुद ही डार्क होते गए, और आंखों का कलर अभी भी देखें डार्क हो रहा है, ये तो ब्राउन है अभी, ब्राउन है लेकिन बिल्कुल लाइट कलर था, क्यों ये क्यों पूछे मुझे, क्यों, क्योंकि ये अंग्रेज का बच्चा है, अच्छा हाँ मेरी माँ तो बोलती थी तुझे जिन पैदा हुआ है, हम लोग डर गए कि ये जिन क्या होता है, सारी हॉस्पिटल देखने आई जिन कौन होता है, तो ये जिन जैसा पैदा हुआ था, और मैं सांवले रंग की हूँ, मैं कोई फेयर, ये तो ये आपके मेकअप वालों का कमाल होता है, मैं सांवले रंग की हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत फेयर, अच्छा। बहुत फेयर थे जो इतने काले हो गए, जैसे जैसे जमीनों का काम होता गया धूप में निकल गए बहुत डार्क साइड पर आ गए, लेकिन सारे बहन भाइयों में अंग्रेज जैसे थे, तो ये अपने बाप पे गया था, अच्छा। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ अंग्रेज का बेटा था, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तो बातचीत तुम कंटिन्यू करेंगे सॉन्ग की जाने पर, बिल्कुल क्या कह रहा, बिल्कुल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करना चाहती हूँ ना, अच्छा भैया भी है तो साथ में अंग्रेज का बच्चा है, मुझे सारे राज पता है लेकिन अभी मैं नहीं बोल रही, बस छोड़े रहने दे, बाद में फिर कभी यहाँ ऑफ ईयर ये बातें करेंगे। सो राजा साहब,
छा बुधाइन चाहिंदो जी हाने आवा जे खिदमत में शमशेर अल हैदरी शायरी कंदा शमशेर जे जा बोलने तुजे नेणन में जो निहारे वे होजन तो सिंधु जे बे किनारे आए है थी वने बिस्मिल्लाह जी तुझे नेणन में जो निहारे वो तुझे अकेड़न में जो निहारे वो जणत सिंधु जे बे किनारे वो जणत दरिया जे बे किनारे वो तुझे नेणन में जो निहारे वो तुझे अकेड़न में जो निहारे वो जणत सिंधु जे बे किनारे वो जणत दरिया जे बे किनारे वो तुझे नेणन में जो निहारे वो तुझे अकेड़न में जो निहारे वो तुझे वारन जो वास जहें वरतो 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 वक्त जी सींद के संवारे वो वक्त जी सींद के संवारे वो जणत सिंधु जे बे किनारे वो दरिया जे बे किनारे वो तुझे नेणन में जो निहारे वो तुझे अकेड़न में जो निहारे वो अड़ो मुफल सुन के डिठो हूं गो 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 एक दिल साफ किथे विसारे वो एक दिल साफ किथे विसारे वो जणत सिंधु जे बे किनारे वो दरिया जे बे किनारे वो तुझे नेणन में जो निहारे वो तुझे अकेड़न में जो निहारे वो शमशीर हो जमाने में एकड़ो शमशीर हो जमाने में एकड़ो शमशीर हो जमाने में एकड़ो शमशीर हो जमाने में सो भी दुनिया में आज गुजारे रहो सो भी दुनिया में आज गुजारे रहो जणत सिंधु जे बे किनारे रहो दरिया जे बे किनारे रो तुझे नेणन में जो निहारे रो तुझे अकेड़न में जो निहारे रो तुझे नेणन में जो निहारे रो तुझे अकेड़न में जो निहारे रो वाह फॉर्मेट मुझे गाने में से इतना अच्छा लगा हेको शमशीर वो भी निहारे वो गुजारे वो गुजारे वो चला गया शमशीर था जो भी लिखे हो ना उनका नाम है बहुत अच्छे लिखे तो बहरहाल ब्रेक का टाइम हो चुका है सो व्यूअर्स बदना जी के मुक्ते से ब्रेक ना दिसना रहो सिंध के मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी व्यूवर्स एक मुख्त से ब्रेक हो असं वापस अची चुका हूँ जगह से गाल बोल हले पर उम्मीद है सभी के तमाम घड़ी पसंद आई होंगी पसंद अच्छी भी रही होंगी सो डॉक्टर सुकैना अभी तक तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की बहुत सिंपल चीज़ें थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की बातें थी तो अब जरा क्योंकि ईद गुजर गई
गोश फोश कुछ ज्यादा ही हो गया तो जरूरी है बहुत मुझे ज्यादा। अचानक से याद आया मैंने कहा पूछ लूं नहीं बस। नहीं देखे ना ये उसी की निशानी है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। देखिए गोश जो है ना एवरीथिंग इन अ लिमिट इज रियली गुड। अगर आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपके जो मेरे पास अभी जो पेशेंट आ रहे हैं ना इनके बाद पेट खराब पेट खराब है बदन में दर्द हो रहा है कब्ज हो रही है बिकॉज ऑफ द मीट। अच्छा मैंने कल एक नया एक सवाब भी कमा लिया और है ना गोश्त भी ख़त्म कर दिया। ऐसे तो मैंने बहुत बांट दिया था क्योंकि काओ ज़रा बड़ी थी थोड़ा सा अपने लिए रखा था। बड़े का गोश्त यूजली थोड़ा कम ही खाया जाता है। कल मैंने उठा के कुरान खाने कराई और बहुत सारे लोगों को पुलाव बना के खिला दिया। सवाब का सवाब मिल गया गोश्त ख़त्म भी हो गया। कितना अच्छा एक तरीका यूरिक एसिड हटाने का ये इस तरीके की नेकी कर लें। दूसरा यूरिक एसिड एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपके हड्डियों के अंदर जो ना बोन के अंदर एक एसिड लेवल चल रहा होता है उसको कहते हैं यूरिक एसिड। जब जो वो क्वांटिटी में ज्यादा होता है ना तो हड्डियाँ और मसल्स गाड़ना स्टार्ट हो जाता है और मसल्स जो आपके ना क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है मसल स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं जब उसमें यूरिक एसिड की ज्यादती होना स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों को मस्कुलर पेन और ये स्टार्ट हो रहा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड चेक कराना है। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ता है बॉडी की हीलिंग जो है ना जीरो के बराबर आना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी घाव लगेगा वो हील करने में महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें सर्कुलेशन सही नहीं है आपकी मसल्स कड़क हो गए उसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी सही से जा नहीं रही। हो सके आपका अगर होमोग्लोबिन 16.5 या 15.5 भी रहता हो तो आप 6 महीने या साल में एक दफा ब्लड जरूर डोनेट कर दिया करें ताकि सारा गंदा खून बाहर निकल जाए। खून का सदका काम आएगा जिसका जरूरत है उसको काम आ जाएगी और आपके खून का सदका निकल जाएगा बल्कि सदका भी निकल जाएगा। दूसरी बात है कि आपको एक तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा और ये लिवर आपका लिवर नया जब फ्रेश ब्लड जनरेट करेगा ना तो आपकी बॉडी आपको ऐसा लगेगा मैं 2-3 साल जवान हो गया हूँ। यूरिक एसिड फ्रेश हो आप और अभी इस यूरिक एसिड को चलाने के लिए एक तो डिटॉक्स होते हैं वो हम आपके प्रोग्राम में ला चुके हैं और उसका इलाज है और ऑक्सीजन सप्लाई उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़ी घास के चढ़ा करें ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई देखिए क्यों खराब होती है लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी एज से पहले नाक का गोश बढ़ जाता है गले में रेशा गिरता है गोश्त खाने के बाद सारी एलर्जीज इस वजह से होती है। गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं रेड चिलीज ज्यादा यूज करते हैं। रेड चिलीज होती है हम लोग को पता ही नहीं होता रेड चिलीज का जो बीज होता है ना पेट में जाके फूलता है ठक फाक फान मारता है आंतें सुझा देता है तो उससे जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है लोगों को तारे निकल आते चेहरे पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है वीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है गला खराब हो जाता है। जो हम कुटी हुई मिर्चें यूज करते हैं सिंपल आप ये कहना चाह रहे हैं कुटी हुई मिर्चें एक तो पीसी भी होती है कुटी हुई वो ज्यादा नुकसान देती है। पीसी हुई कुटी हुई दोनों बेकार है। पीसी हुई कुटी हुई दोनों बेकार है। आप हरी मिर्चें खाएं वो भी बीज हटाकर बीज जो है ना पेट में जाकर सुझाएगा सही। चिलीज का नुकसान है ग्रीन चिलीज खाओ रियली फायदेमंद वो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड फ्रेश बनाने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में लेवल सेट करके ऑक्सीजन लेवल सेट करता है बीज जो है वो नुकसान जो होता है। और अगर मर्द बीज ज्यादा खाते हैं ना तो उनके यूरिनरी ट्रैक पे बहुत टेंशन यूटीआई इन्फेक्शन और बाद में ब्लैडर्स के अंदर टेंशन होना स्टार्ट होता है। बेसिक जो नाक की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है साइनसाइटिस हो जाता है नाक का गोश बढ़ जाता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्मेट है आप ग्लिसरीन ले लीजिए 100 ml उसके अंदर आप कुछ और भी नहीं डालना है। इसमें मैं आपको 4 दवा बता रहा हूँ इसके अंदर आपको ऐड करके डालनी है। फर्स्ट इसमें पाइथोले का बेरी डालेंगे 20 ml फिर पाइथोले का डेकेंड्रा डालेंगे इसके अंदर 20 ड्रॉप्स पाइथोले का बेरी के 20 ड्रॉप्स पाइथोले का डेकेंड्रा के आयोडीनम के इसके अंदर डालेंगे 50 ड्रॉप्स सही है और साथ में इसके अंदर एसिड फॉस डालेंगे 50 ड्रॉप्स क्योंकि ये जब आपकी सेंट्रल लाइन में जाएगा तो नाक का जो गोश बढ़ जाता है इसको ऑटोमेटिक काट के श्रिंक करके अपनी लेवल के अंदर लेके आएगा। एक्सेसिव ग्रोथ जो बढ़ रही है नाक की गोश की वो सेट हो जाएगी और उसमें एसिड फॉस होता है तो जाके दिमाग में आपकी यहाँ सारी जो चोकेज हो गई होती है उसको ऐसे ऐसे क्लियर करेगा तो आपकी जो थॉट कैपेसिटी है और ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल सही से नहीं जा रहा स्ट्रेस डिप्रेशन है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट है। अच्छा सबसे बड़ी बात आपको लिटरली फील होगा वंस यू ऐड दिस 2 ड्रॉप्स ऑन दिस ईच नेस्टल इसमें डाला यूं चढ़ाना नहीं है खुद लेटो आराम से आहिस्ते जाएगा। आप यकीन करें ये छोटा था तो जिद करा कि एक्चुअली थोड़ा गिर गया था तो नाक थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो गई थी जिद किया और उसको बहुत साइनस का मसला रहता था। मैं ऑपरेशन थिएटर में इसको ले गए बाकायदा इसको सफाई कराई अभी भी मेरे पास तो आप कह रहे हैं ना 3 महीने से एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई है इसकी वजह ये कि इस वक्त यंग बच्चे मेरे पास माइग्रेन की ट्रीटमेंट में लाइन लगी पड़ी है। हम उनकी नसें खोल के माइग्रेन सेट करें ये सब बहुत हाई लेवल पे बात होती है तब हमारे पास आना होता है। शॉर्ट लेवल पे हमने इसका ऑपरेशन कराया और उसके बाद जब वो बाल्टी 2 भर के जब खून की आई मेरे बेटे की
पोते रुई से भरे हुए खून के सर में से नाक में से पता नहीं किधर किधर से सारे चोक जो होते हैं। आप यकीन करें दो बाल्टियां वो उसने वो रुई के खून से भरी हुई दिखाई। उस वक्त मैं तो बड़ी जरा कॉन्फिडेंस मदर हूँ तो एक उस वक्त मुझे भी बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं हर बंदों के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ, इसके साथ भी चली गई थी। जब वो निकाल रहा था तो मैंने डॉक्टर को बोला सो मच ब्लड, तो बोलते डॉक्टर से कहना इफ़ यू वांट टू स्टे हियर क्वाइट, तो मैं चुप होके माँ थी ना बोले बिगर नहीं रह सकी। लेकिन जब आया तो उस दिन से आज तक उसका सर का दर्द ही होता था, सर का दर्द ही होता था। और अली को भी यही मसला है क्योंकि मेरे बच्चे लोग जरा सा क्या बोलते लेट जागने वाले बच्चे हैं। अच्छा, वो कंप्यूटर बेबीज जिसको बोलते हैं जो सारी दुनिया हो गई। तो क्या टाइमिंग्स कैल्शियम विटामिंस खाने के धूप में होते हैं ये सोए पड़े रहते थे। और कॉलेजेस तो ऐसी होती है कि जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ जाते हैं। मैं कॉलेज रेगुलर जाता था। लेकिन टुल्ला क्या करता था? टुल्ला तो भाई कॉलेज में हर कोई मारते हैं बंकिंग। ये मुझे बड़ा बुरा लगता, टुल्ला मारता था। नहीं यूज भी नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर क्या हुआ कि इन लोगों को ये थोड़ा माइग्रेन का मसला था तो मैंने उठा के एक थेरेपिस्ट है मेरे पास उसको एक एक चीज चेक यानी इसको सिखाई और वो अभी भी है आज तक मेरे पास 16-17 साल से एक ही थेरेपिस्ट मेरे अंडर में काम करती है। उसको मैं अभी थोड़ा दुबई में भी छोड़ा था क्योंकि उधर के एक आउटलेट को हेल्प की ज़रूरत थी इस किस्म की। तो मास्टर है तो हम मैंने उनके हवाले किया वो दिन है और आज का दिन और ऊपर से इन्होंने ये नेजल ड्रॉप्स ये मेरी खुद की याद है। हाँ ये बहुत सारी चीज़ें पॉलीसिस्टिक का इलाज ये बहुत अच्छे से कर लेते क्या हैं बात है। फिर इसके बाद ये मैंने अपने लिए बनाए थे बेसिकली अपने लिए एक ऑपरेट करा के सर पकड़ लिया था भाई एक ऑपरेट काफी है उसके बाद कोई दोबारा नहीं करना। अच्छा इसके हवाले से हम मजीद बात करेंगे लेकिन पहले देखते हैं कि लाइन पे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केर पे गल हायो अभी किरण मेरा लिख कर क्या शिकार पर हूं जी अदा चाचा जमन चाचा को सवाल आ है जी ये सवाल आ आओ पांच शहर में जरे हो आ तो मुझे वार बिल्कुल घट करना है जदे कराची के पानी मुझे वारन के लगन बाद इतना वार करना हद को वति कर अल्लाह इच्छा है ठीक यानी कि गोठ हुंदा है तुम्हारे वार सही हुंदा है नहीं हते ही ना तो वार किरण शुरू थी वंदा ओके जी दादा वार करना ठीक है। So, वड़ी मेहरबानी हम कॉल की हम की जवाब नहीं था जी डॉक्टर से कहना है उन्होंने जवाब दे दिया कि गांव में होता हूं तो बाल तो नहीं, नहीं गिरते क्योंकि वहां का पानी बहुत अच्छा है क्योंकि आप पोल्यूशन कम होती है ना और गाड़ियां कम चलती हैं सराउंडिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी ज्यादा होगी होती ग्रीनरी ज्यादा होती और हैंड पंप से वो फिल्टर हो के प्रॉपर तरीके से जमीन पर अब यहां पे तो हमें टैंकर के पानी मिलते हैं और वो कैसे होते हैं आप भी जानती हैं हम भी जानते हैं कहां-कहां जमा होते हैं ये भी हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात चलो वो पानी भी इनको अगर अच्छा आता हो अल्लाह करे तो इधर पॉल्यूशन आप देखें वो कितनी ट्रकें और ये बेसिक तो ना सबसे बड़ा इफेक्ट आता है पानी का पानी चेंज होता है ना लोग पंजाब के लोग कराची में तो गंजे होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां का पानी बहुत एडजस्ट नहीं हो पाते। तो अभी जब आप कराची यानी जब आप शहर आते किसी भी शहर में आते वाटर इनटेक उन्हें सही रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अभी मौसम्बी कीनू और ये शुरू हो चुका है मेरा ग्रेपफ्रूट तो शुरू हो चुका है आपके बाल बहुत जो कहते हैं जो आपको माइनस वाला जो बताया और एक ऑयल हमने फेसबुक पर आप ढूंढ लीजिए ऑयल बनाना सिखाया आप वो यूज किया करो उससे बाल गिरना बिल्कुल सेट और नेजल ड्रॉप्स जो अभी बताए वो आप ये कराची एलर्जी बढ़ती है आप ये यूज करें इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी ऑक्सीजन सप्लाई आर्टिफिशियल जो ये सब मिट्टी धूल जा रही है ना उससे आपकी ईएनटी खुल जाएगी तो आपका मसला हल होगा। दूसरा पानी का इनटेक रखे और विटामिन सी वाले जूसेस जो मिलते हैं वो ज्यादा कीनू मौसम्बियां सब शुरू हो रही है ग्रेपफ्रूट अभी शुरू हो गया पिए बहुत अच्छी चीज है पिए खाएं ऐश करें जिंदगी को जिए आप सेट हो जाएंगे। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट। अभी आई नो कि बहुत सारी चीजें थी जो कि रह गई लेकिन क्या करें कि वक्त बड़ा जालिम है इंशाल्लाह फिर कभी यू नो कोटा लाए थे पूरा कर दिया पूरा हो गया ना। हाँ जी तो बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट आप तीनों मेहमानों का अमां जी वड़ी वड़ी मेहरबानी लख थोरा माशाल्लाह इलाही सुठो आवाज इलाही सुठो अंदाज ॾाढी खुशी थी अमां के बुधी करे आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसिर सा पैगाम क्योंकि वक्त बड़ा कम सा है। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट पैगाम था बाइक को बाइक समझ के चलाएं अगर वो बाइक को आप हेलीकॉप्टर या ट्रक समझोगे तो वो आपके लिए क्या होगा जानलेवा हो जाए। डॉक्टर दूसरों को भी खुशियां पहुंचाए कोशिश करें खुद भी टेंशन ना लें दूसरों को भी ना देने की कोशिश करें क्या बात है जी राजा साहब मोसी के लादा मजन तो समोसे की रोज रात बेशक जिंदगी एक मन सांगर दो ये ना शेख के भी जो आदो पाना एंजॉय कयो ता ये दिलन जा बार हल्का थी वाह वाह आप दोनों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स उम्मीद है तेरे को शो में सबनी के तमाम घणो पसंद आयो तो सबनी डाडी सुठी गाल की त
पान भी खुश रहो बेन के भी जीण जो यही जिंदगी है छो जो अजकल यकीन कर मू नांगन का बिला वजह डुजन इंसान का खतरनाक नांग को जिंदगी में आई को सो इन करे बेहतर है तो कें डन छो सुकून वाली जिंदगी दियो पान भी जियो बेन के भी खुश रहने दियो खुशी से जीने दो सबसे बड़ा पैगाम यही दे सकती हूँ सो इनशाला अवां से सुभाणे मुलाकात थींदी एक नए प्रोग्राम में तेसी ताईं पंहिंजो तमाम घणो ख्याल रखिजो आखिर में अवां खे सॉन्ग जरूर ॿुधंदासीं अवां सभिनी जे लाइ अलाफिस गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू जी म्यूज़िक सच्चो नाम चवे को सच्चो।